दोस्तों हम लोग आए हुए हैं देहरादून, और इस बार देहरादून हमारे साथ नेहा भी आ रखी है। तो इनकी नायिका से हो रही है शॉपिंग। तो ये देखिए, ये ड्रैगन है, यहाँ पे बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे वगैरह काफी अच्छे से वो करते हैं। कैसा लगा तुझे? बहुत ही अच्छा, पर गर्मी से हम बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ एसी चालू नहीं था, एसी काम नहीं कर रहा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सरोज पहाड़न ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देहरादून बिड़लास से, और इस बार हमारे साथ आई हुई है नेहा, पूरे 4 साल बाद। तो नेहा को एक बार थोड़ा सा करा लेते हैं देहरादून शहर की सैर सपाटा। दोस्तों हम लोग आए हुए हैं देहरादून, और इस बार देहरादून हमारे साथ नेहा भी आ रखी है। तो आज मिठाई मिलने, तो हम लोग आ गए हैं लंच के लिए बाहर। और यक्ष इतनी बदमाशी कर रहा ना, ये बड़ा हो गया तो बहुत बदमाशी कर रहा है। तो हम लोग नेहा को, स्पेशली नेहा को लंच कराने के लिए लाए हैं बाहर। तो नेहा को चटनी बहुत पसंद है, और नेहा के चेहरे पे खुशी देखो तुम चटनी को देख करके। नेहा रानी कैसा है? बढ़िया, स्वादिष्ट है। कौन है मयंक राणा? छोड़ लगे रही हो या काजी पे? चटनी में आ रहा होगा तुझे मजा। चटनी में उतना मजा नहीं आया, बहुत चटपटी नहीं है। तो हम सब लोगों ने खाया खाना, और यक्ष देखो बेचारा कैसे सो रहा है। सबसे बढ़िया वाला जीवन यही है, मस्त। और नेहा का अभी भी खत्म नहीं हुआ, डरू भी नहीं को। बोल दे बोल दे बोल दे भाई। ये है फिदनी, फिदनी। ये डिलीशियस और स्वीट डिश है। हाँ। तो हम भी टेस्ट करेंगे आज, भैया की डिमांड्स पे मंगाए गए हैं। ये है वो शख्स जिसने फिरनी की खोज की जिसने फिरनी की खोज की फिरनी की खोज करने वाला आपको। ओके ओके ओके, कैसा हो रहा? अत्यंत प्रेम झलक रहा है यहाँ पे। ऑनेस्ट रिव्यू तो पापा ही देते हैं। सर कैसा लग रहा है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सर बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत टेस्टी। इसमें भी लगा अच्छा। कामिनी कैसा लग रहा? नहीं लगा अच्छा। कामिनी कैसा लग रहा? नहीं लगा अच्छा। ऐसे यार, और मिठी दी आपको? जीजू थाई नहीं उसे पहले नहीं खाया। आपको पता है क्या चल रही है? दूध हो जाए जब कुछ चीज तो बना चाहिए, ये फिर बना तो नहीं। वहाँ सब बॉन्ड जैसा लग रहा भाई, गले में खा गए। अच्छा लग रहा, मुझे नहीं पता भाई क्या नाम है वाली सब फिर की फिरनी 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 अलग नाम है यार, नाम भी फिर की रख फिरनी रख रहा है इसका। गांव में लेप्सी बोलते हैं, फिरनी है, क्या करें, गांव में लेप्सी फ्री मिल जाती है, इसका कॉस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कॉस्ट भाई। तो नेहा ने फिरनी का दूसरा नाम भी रख दिया, क्या बोला? लेप्सी, लेप्सी हैं? से बता दे तो एक बार। इसका नाम है लापसी गांव में। अब यहाँ पे मैं इन्होंने इसको इसका प्राइस रेट बढ़ा करके इसका नाम फिरकी फिरनी पता नहीं क्या क्या रख दिया है। क्या बोले अभी आपको? ऐसी चॉइस है मेरी। सुपर बढ़िया है भैया। नेहा यार कॉमेडी ना करे, ये हो सकता है कभी क्या? अकू तेरी फिरनी को इसने क्या नाम दे दिया, देख ले नेहा ने। ये एक ऐसा जो कैमरे में नहीं आता, इसको कैमरे से एलर्जी है।
हमारी सिटी में जाओ, पहले वो सिटी रोजगार के ढूंढ सिटी में जाओ। तो ये हमारी बहुरानी है, ये बहुरानी ये वो है इसका एबी मोस्ट एलिजिबल बैचलर, इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। फौजी नहीं चिड़ा रहे थे कि फौजी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला ना, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आजकल हमारे आर्मी वालों की डिमांड है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी हम लोग खाना पीना खाने के बाद आ चुके हैं देहरादून के सबसे बड़े मॉल में। मतलब बहुत टाइम से ऐसा इंतज़ार था कि मॉल में चलना है, मॉल में चलना है। तो मौसी ने कहा कि चल मैं दिखाती हूँ तेरे को। तो हम आ चुके हैं मॉल ऑफ देहरादून में, ठीक है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या क्या शॉपिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा मस्ती आने को। मिठी दी तो यहीं पर लिपस्टिक लगा रहे हैं, मुझे लगा है। तो क्या होगा लिपस्टिक, ये देखो लिप बाम। तो चलो दिखाते हैं अपनी मस्ती हम लोग आपको, और देखते रहिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। मौसी ने भी निकाल ली लिपस्टिक अपनी। तो मौसी कम लगाओ यार, अभी यहाँ देखने वाला कोई नहीं है हमें, ठीक है। तो अभी शॉपिंग भी करनी है हमको, ठीक है। तो चलते हैं फिर, मज़ा आ रहा है यार देख के। तो चकाचौंध ना, चकाचौंध बहुत ही चकाचौंध, बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध आई हूँ उसको लेके आया हूँ। आइए मौसी ने कहा कि चलो मैं घुमाती हूँ। ड्रैगन देखो उधर से दिखाओ। तो ये देखिए ये ड्रैगन है, यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे वगैरह काफ़ी अच्छे से वो करते हैं। ये सब आर्टिफिशियल है, बट देखो कैसे बनाया है इन्होंने। तो इनकी नायिका से हो रही है शॉपिंग। तो कामिनी ने देखो नायिका से क्या शॉपिंग करी। कामिनी कितने का है ये पोटली? 3000 की। बेटा यहाँ पैसे का ऐसी है। हाँ कैसा लगा तुझे? बहुत ही अच्छा पर गर्मी से हम बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ एसी चालू नहीं था, आज एसी काम नहीं कर रहा था। चलो घूम गए हम लोग भी, हमने भी देख लिया मॉल ऑफ देहरादून, काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। नया की शॉपिंग भी हो गई, शॉपिंग भी हो गई। तो जल्द मिलते हैं आपको, दिखाएंगे क्या शॉपिंग की, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं घर, अभी हमें घर चलते हैं, घूप चाय पीते हैं, फिर एनर्जी लेके आते हैं। पहाड़ियों की पहचान चाय से ही होती है ना। नेहा देख तेरे लिए आईफिल